वायरिंग करके दिखाएंगे। आप वायरिंग स्टार्ट कीजिए जहां आपके पॉइंट लगे हैं। बल्ब होल्डर लगा है, सीलिंग फैन लगा है, ट्यूबलाइट लगी है या फिर नाइट बल्ब, वहां से आप वायर डाल के लेके आइए पॉइंट वाली स्विच बोर्ड में। स्विच बोर्ड में वायर डालने के बाद आप पहले बल्ब होल्डर के कनेक्शन कर लीजिए। ये पॉइंट वाली वायर और साथ में न्यूट्रल वायर आपको डालनी है। न्यूट्रल वायर सभी पॉइंटों में एक सिंगल वायर आप डाल लीजिए। ये न्यूट्रल वायर आपके रूम में सभी पॉइंट में आप इस वायर को दौड़ा दीजिए। ये वाले पॉइंट की आप वायर डाल लीजिए और इसमें न्यूट्रल वायर आप सभी में एक कॉमन वायर रखिए। दो पॉइंट वायर हो गई। न्यूट्रल वायर आप किसी भी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ये सभी आप वायर आपकी पॉइंट से स्विच बोर्ड में आ जाएगी। देखिए न्यूट्रल वायर को आप बोर्ड में लेकर के आइए। ऐसी ये पॉइंट वाली वायर हो गई है। अब आप स्विच बोर्ड की वायरिंग कर लीजिए। आप एक वायर ले लीजिए और उसके ऊपर का कवर हटा लीजिए। स्विच का इनपुट टर्मिनल है, इसमें वायर को आप कनेक्ट कर लीजिए। ये वाली वायर आप सभी स्विच में कनेक्ट कर लीजिए। वायर ले लीजिए आप, सॉकेट के कनेक्शन कर लीजिए। ये सॉकेट का इधर फेज वाला टर्मिनल होता है। वायर का दूसरा सिरा आप ये वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर लीजिए। स्विच बोर्ड में एक इंडिकेटर लगा है, आप इंडिकेटर में न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लीजिए। ये इंडिकेटर वायर का दूसरा सिरा आप सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लीजिए। ये 6 मॉड्यूलर का स्विच बोर्ड है। इंडिकेटर में पावर के लिए वायर आप कनेक्ट कर लीजिए। इंडिकेटर में पावर आप दे दीजिए। वायर इंडिकेटर के ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लीजिए।
वायर का दूसरा सिरा आप ये जो वायर आपने कनेक्ट की है इसी वायर के साथ आप कनेक्ट कर लीजिए। स्विच बोर्ड की आपने वायरिंग कंप्लीट ऐसे कर ली है। अब आपके जो पॉइंट आए हैं वो वाली वायर आप कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ये बल्ब होल्डर की वायर है इसको आप ये वाले स्विच में कनेक्ट कर लीजिए आउटपुट टर्मिनल पे। ये वाले पॉइंट की वायर है, मान लीजिए आपके बोर्ड में सीलिंग फैन के कनेक्शन करोगे, ट्यूबलाइट के, बल्ब के, नाइट बल्ब के, और सभी आपके स्विच बोर्ड में ऐसे पॉइंट वाले वायर आप कनेक्ट कर लीजिए स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे। ये 6 मॉडलर का स्विच बोर्ड है, इसमें 3 स्विच लगे हैं, एक इंडिकेटर और एक 5-पिन सॉकेट। अब पॉइंट के लिए जो न्यूट्रल जाएगा वो वाली वायर आप कनेक्ट कर लीजिए इधर सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। आप स्विच बोर्ड में इनपुट फेज वाली वायर कनेक्ट कर लीजिए। इनपुट फेज आप कनेक्ट कर दीजिए स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। इनपुट न्यूट्रल आप कनेक्ट कर लीजिए सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। यहाँ से न्यूट्रल हर जगह चला जाएगा, सॉकेट में भी, इधर इंडिकेटर में भी, और ये पॉइंट है यहाँ भी पहुँच जाएगा। ऐसे आप हाउस वायरिंग खुद से कर पाओगे किसी की हेल्प लिए बगैर। उम्मीद करते हैं ये वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप रूम की पावर ऑन कर लीजिए, मेन पावर, इंडिकेटर जलने लग गया, इसमें पावर आ चुकी है स्विच बोर्ड में। ये वाला स्विच रूम के बल्ब के लिए, ये वाला स्विच आपका नाइट बल्ब हो या फिर सीलिंग फैन के लिए, और ये वाला स्विच 5-पिन सॉकेट के लिए इधर लगा है। आप इसमें कूलर चलाओ या कोई भी इक्विपमेंट आपको चलाना है यहाँ से चला सकते हो। ऐसे आप हाउस वायरिंग खुद से कर पाओगे किसी की हेल्प लिए बगैर। हाउस वायरिंग में आपको स्टार्टिंग करनी है वायर डालना पॉइंट से, जहाँ आपका होल्डर लगाओ, बल्ब होल्डर, सीलिंग फैन लगाओ, वहाँ से आप वायर डाल के लेके आइए स्विच बोर्ड तक। उसमें आपकी वायर भी बच जाएगी, ज़्यादा वायर ख़राब नहीं जाएगी और अच्छे से कनेक्शन कर पाओगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम सीख रहे हैं तो ऐसे वायरिंग करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। एक जेन्युइन तरीका है ये वायरिंग करने का।